सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है। दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं होती। आज का पंचांग 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 9:02 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र शाम 5:16 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:54 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 से 8:09 तक रहेगा। रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से 8:46 तक रहेगा। व्रत पारण समय सुबह 6:51 से 8:57 तक रहेगा 24 नवंबर को। मकर राशि 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ न करें, एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। सुखद ग्रह स्थिति बन रही है। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत थे आज उससे संबंधित उचित परिणाम मिल सकता है। सोसाइटी अथवा सामाजिक कामों में आपका भी योगदान रहेगा। किसी समारोह या मीटिंग आदि में आपको विशेष रूप से निमंत्रण मिल सकता है। युवाओं को मिली कई लोगों को आज परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इस वजह से प्रयत्न करते रहें और नई बातें सीखने की भी कोशिश करें। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न तुरंत फल दे सकते हैं। नए लोगों के साथ बढ़ रहा परिचय लाभदायक होगा। काम संबंधित टारगेट पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पार्टनर और आपके बीच संवाद कम होने से दोनों के लिए चिंता बढ़ेगी। लो बीपी और शुगर के कारण तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, दोपहर बाद कोई अशुभ सूचना मिलने से मन व्यथित रहेगा। हिम्मत हारने के बजाय परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करें। घर पर बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सानिध्य में भी कुछ समय व्यतीत करने से मनोबल बढ़ेगा। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से घर में सुकून भरा माहौल रहेगा, इससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग पर जाने का मौका भी मिल सकता है। यह सब उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। यह एहसास करने की जरूरत है कि यह रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। बात करते हैं करियर की। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके इस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है जिसमें गहरी सोच और चिंतन शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकती हैं।
प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिले तो तुरंत हासिल करें। व्यवसायिक कार्यों में गति आने से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, हिम्मत ना हारे और अपनी व्यवसायिक कार्य प्रणाली संबंधित कुछ सुधार लाएं। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को थोड़ा अनियंत्रित सा महसूस करेंगे। काफी मेहनत करें। वर्कआउट सेशन के बाद आप खुद को चॉकलेट का तोहफा देने वाली हैं, लेकिन इसी पर तो आपको नियंत्रण करना है। चॉकलेट केक की बजाय कुछ कम कैलोरी वाला मीठा खाएं। अगर आप जिम प्रशिक्षक के बताए हुए डाइट पर नहीं चलेंगे तो आपको शेप में आने में बहुत समय लग जाएगा। आज का उपाय। आज अब भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।